विधानसभा सदस्य रह चुके हैं जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार दूसरे जो स्वास्थ्य संयोजक करके उनके साथी आप है आदरणीय राम भाई मोकारिया जी, उसको भी हमने अगले महीने में पूरा होकर उसका लोकार्पण औरंगजेब का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इसका सहारा औरंगजेब, इसलिए बीजेपी का हिंदुत्व झूठा है ऐसे संजय राउत ने कहा, क्या बोलेंगे सर? संजय राउत भी जो है ना थोड़ा बौखला गया है, मानसिक रूप से हिल गया है, कई प्रकार के जो अपराधी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, जेल में रहने के बाद जेल के कैदियों ने कुछ ठीक कर दिया गया होगा, इसलिए शिवसेना अपने मूल विचार से हट गई है। शिवसेना को बाला साहब को याद रखना चाहिए, बाला साहब जिस प्रकार से हिंदुत्ववादी पार्टी के नेता थे, राम मंदिर के मूवमेंट से लेकर काशी विश्वनाथ के मूवमेंट से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। मैं पूछना चाहता हूँ शिवसेना को से, उनके पार्टी के संजय राउत उद्धव ठाकरे जी से, आप वैचारिक रूप से कहाँ जाके गोद में बैठ गए, घर के रहे ना घाट के रहे? तो इसलिए संजय राउत मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए हलकट टाइप के बयान देते रहते हैं। बीजेपी गोडसे की औलाद है, तो गिरिराज सिंह जी ने बोला कि गोडसे के देशभक्त थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की, और देशभक्त कैसे हो सकते बताइए? अवैसे मानसिक रूप से बीमार आदमी है, देश में इस प्रकार के हल्की लगातार बातें करके देश के वातावरण को खराब करने वाला कोई नेता है वो ओवैसी है। मीडिया की सुर्खियों के लिए भारत की संस्कृति को, भारत के स्वाभिमान को, भारत की अस्मिता को, भारत की चित्ती को, भारत की आत्मा को लगातार डेंट करने का काम ये ओवैसी करते रहते हैं। इस चौदह लाख किसान अकेला फसल देखते हैं जिनके खातों में एमएसपी का पैसा 200-300 रुपए पर क्विंटल जाता है, तो इसका मतलब 86% राष्ट्रपति को देश के किसानों के खातों में पैसा नहीं जा रहा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योजना बनाई कि 6,000 रुपए 12,000 रुपए सीधे अकाउंट में डालने का काम भी ये बड़े लोगों का नहीं हुआ है। गांव खेड़े में रहने वाला आधा एकड़ किसान है उसके खाते में सीधे डालने का काम सांसद ने, कई इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से रोड वगैरह देखे गए हैं, क्योंकि कई बार यहाँ गढ़चिरौली एरिया में देखेंगे तो बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में माइनिंग हो सकती है, आयरन और हुआ अनंत प्रकार की मैग्नेट हो सकती है कई प्रकार। इस 14 लाख किसानों में से मात्र 14 लाख किसान अकेला फसल देखते हैं जिनके खातों में एमएसपी का पैसा 200-300 रुपए पर क्विंटल जाता है, तो इसका मतलब 86% राष्ट्रपति को देश के किसानों के खातों में पैसा नहीं जा रहा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योजना बनाई कि 6,000 रुपए 12,000 रुपए सीधे अकाउंट में डालने का काम भी ये बड़े लोगों का नहीं हुआ है। गांव खेड़े में रहने वाला आधा एकड़ किसान है उसके खाते में सीधे डालने का काम सांसद ने, कई इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से रोड वगैरह देखे गए हैं, क्योंकि कई बार यहाँ गढ़चिरौली एरिया में देखेंगे तो बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में माइनिंग हो सकती है, आयरन और हुआ अनंत प्रकार की मैग्नेट हो सकती है कई प्रकार।